खालसा जी चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी। सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठाए से जंत पई हरियावले जिनी मेरा सतगुर देख्या जाए। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जन आमाए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या आप तरिया जिनी डिठा तिन्हा लय छडाए। हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोवै पाए। मन चाउ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृहो मंदर बनिया। दुख हरता हर नाम पछानो अजामल गण का जिह सिमरत मुक्त पए जी जानो। गज की त्रास मिटी छिन्हू मह जब ही राम बखानो। नारद कहत सुनत ध्रुव बारक भजन माहे लपटानो। अचल अमर निरपय पद पायो जगत जाहे हैरानो। नानक कहत भगत रक्षक हर निकट ताहे तुम मानो। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निदया बैताय सब थाई होए सहाय। सज्जन सच्चा पात साहू सिरसा हंद साहू जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। राग सूही शांत महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पर जोबन मैं मत पेयड़ घर पाहुनी बल राम जियो। मैली आवगण चित बिन गुर गुण ना समावनी बल राम जियो। पर जोबन मैं मत पेयड़ घर पाहुनी बल राम जियो। परम सन्मान जो गुरु रूप गुरु खालसा सात संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डिया भागां वाले हो जिन्हां नूं गरीब नवाज सच्चे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र सतखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे हजूर दे पावन दर्शन करन दा अमृत सरोवर विच दर्शन और इशनान करन दा गुरद्वारा मंडी साहिब दीवान हाल विखे सतसंगत करन दा शुभ सुभागा समा प्राप्त हो रहा है। सात संगत जी सृष्टि का सब तो प्रसन्नतावां भरिया होया ये महान दिहाड़े
महान बख्शिशां भरे हुए दिहाड़े जिन्हां दिनां विच आपां नौवें सतगुरु गरीब नवाज सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी का 400 साल अवतार गुरपुरब की शताब्दी बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल मना रहे हाँ। सत संगत जी, अवतार किसनू कहा जाता है? बड़ा सुंदर सुरती दे अंदर जिक्र है, अवता रखती अवतारा। जो दुखां ते विपता दी घूमण घेरी विच फसे हुए जीवां दी आ के रख्या करे उसनू अवतार कहा जाता है। अंसा अवेसा नित नमित कला और पूरन ये अवतारां दा निर्णय किया जाता है। सात संगत जी, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने भी चौपी साहिब बाणी दे विच आप अपने पावन मुखारबिंद तो अवतार शब्द की व्याख्या बड़ी सुंदर हजूर ने स्पष्ट की है। जब जब होत अरिष्ट संसारा तब तब देह धरत अवतारा। सतगुरु विचित्र नाटक विच फरमान करते हैं, जदों जदों धरती दे उत्ते पाप फैल जाते हैं उदों उदों संसार दे जीवां दे भले वास्ते पापियां जालमां जरवाणियां तों जुल्म तों रख्या करन वास्ते वाहिगुरु मात लोक ते अवतार भेजदा है। 14 कलां अवतार 16 कलां अवतार भी इस धरती ते आए, पीर पैगंबर ऋषि मुनि भी आए, पर प्रतख हर वाहिगुरु परमेश्वर दा अवतार कलयुग दे जीवां दा उधार करन वास्ते 10 सरूपां दे विच परमेश्वर दा सरूप सरगुण रूप दे विच 10 जामियां विच इस लोकाई का उधार करने वास्ते 10 सतगुरु साहबाना ने वख-वख समय ते अवतार धारण किए हैं। सत संगत जी, श्री गुरु सोभा दे करता जी बड़ा सुंदर कथन करते हैं। प्रगटे श्री गुरु तेग बहादुर सगल सृष्ट पै ढापी चादर, कर्म धर्म जा की पत राखी अटल करी कलयुग में साखी। जय जयकार तीन जय जयकार जास जग भयो, जिन्हां सतगुरां ने इस मात लोक दे उत्ते आके प्रगटे श्री गुरु तेग बहादुर सगल सृष्ट पै ढापी चादर, जिन्हां ने सारी धरती ते अपनी बख्शिश दी नज़र किरपा दी चादर पा के जीवां दे धर्मां दी रख्या कीती। अटल करी कलयुग में साखी, कर्म धर्म की जिन पत राखी अटल करी कलयुग में साखी। जिन्हां ने धर्म दे कर्मां दी रख्या आप मात लोक ते आके कीती और कलयुग दे विच जिन्हां दा ये इतिहास साखी नाम इतिहास दा है ये सदा लई अटल और अमर है ते सदा ही रहेगा। जय जयकार जास जग पयो, जिह ते सर्ब धर्म बंचयो, तीन लोक में जय जय पई सतगुर राख पैज निज लई, तिलक जनेऊ अर धर्मशाला अटल करी गुर भए निहाला, अटल भई गुर भए दयाला। तिन्ना लोकां दे विच सतगुरु जी का महान जस फैलिया होया है, जिन्हां ने तिलक दी जंजू दी और धर्म दे अस्थाना दी जिन्हें भी धर्म सन, कला हिंदू धर्म की गल नहीं इत्थे कीती, हिंदू धर्म लई विशेष शब्द वरत दिते है भाई सैना सिंह जी ने कि तिलक जनेऊ अर धर्मशाला, उन्हां दे तिलक जंजू दी भी और धर्म दे होर स्थानां दी भी, क्योंकि
हिंदुस्तान के अंदर इन्ना जुल्म औरंगजेब वालों किया जा रहा सी कि औरंगजेब ने एक तहैया किया होया सी कि मैं हिंदुस्तान की धरती ते कोई दूसरा धर्म पैदा ही नहीं होन देना, ना कोई धर्म इत्थे रहन ही देना, कि हिंदू बोधी जैनी ईसाई सारे धर्मां नूं औरंगजेब तो उस समय खतरा सी, बहुत भारी खतरा सी, और मुख रूप विच हिंदू धर्म लई सब तो वड्डा खतरा पैदा होया होया सी। पर धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह तुसी एडी वड्डी कृपा कीती कि सारे धर्मां दी रक्षा करन वास्ते आप जी ने अपने शीस दी महान कुर्बानी दित्ती है। ऐसे महान धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी जिन्हां दा पावन अवतार इसे गुरु नगरी दे विच, सात संगत जी सब तो पहला तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी ने चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी नूं आग्या कीती कि पुरखा गोइंदवाल साहिब तो इस धरती की निशानदेही कीती कि उत्तर दी तरफ बड़ी सुंदर नगरी वसाउणी है, तुसी अमृत दा सरोवर लाउणा उत्थे, और धन गुरु नानक देव गुरु अंगद देव जी सारे गुरु साहिबाना ने उत्थे चरण पाए है। और इतिहास विच जिक्र आउंदा कि धन गुरु अमरदास जी चौथे पातशाह जी नूं इस धरती दे उत्ते आप नाल लेके आए और इस धरती की निशानदेही करवाई, और धन गुरु अमरदास जी दे ज्योति जोत समाउण तो बाद चौथे पातशाह जी ने तुंग आदिक नगरां दे जिमीदारां तो उस समय 700 रुपया दे के इस धरती नूं मुल खरीदिया और इस नगरी का नाम गुरु का चक रखिया। सब तो पहला हजूर ने गुरु के महलां अस्थान बनाए हैं और उत्थे चौथे पातशाह महाराज साहब जी भी लम्मा समा विश्राम करते रहे, पंचम पातशाह जी भी और छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी, तीन गुरु साहिबाना का उस अस्थान ते निवास, और चौथे भाव धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का उस अस्थान उत्ते कल वाले दिन भाव 1678 संमत 1621 ईस्वी दिन मंगलवार विसाख वदी पंचमी नू सवा पहर रात रिंदी तो धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी अते मान माता नानकी जी दे ग्रह विखे धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अवतार धारिया है। तिनको अवतार भयो कल भिंतर जस जगत्र पर छायो। इतिहास विच जिक्र आउंदा कि जदों धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी का अवतार होया उदों छेवें पातशाह जी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी के अंदर आसा जी की वार का कीर्तन सरवण कर रहे सन। सिखा ने आके खबर दिती आसा जी की वार के संपूर्णता तो उपरंत अरदास विच सच्चे पातशाह जी ने शुकराना करके जदों गुरु के महलों विखे गए, माता नानकी जी ने गोद विच नौवें पातशाह जी नूं अपने हत्थां नाल लिया होया है, तां दगदा करदे मस्तक वल अमृत भरी दृष्टि पा के दोनों हथ जोड़ के धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने नौवें पातशाह जी नूं नमस्कार कीती। गुरबिलास विच इह सारा जिक्र आउंदा। धन भाई बिधी चंद साहब जी ने छेवें पातशाह जी नूं नौवें पातशाह जी नूं नमस्कार करदिआं वेख के सवाल कीता, महाराज तुहाडे चार साहिबजादे होर हन, पंजवें सारिआं तों छोटे है, पर चार साहिबजादिआं नूं अज तों पहलां तुसीं अवतार धारण तों बाद जन्म लैण तों बाद नमस्कार नहीं कीती, इहनां नूं क्यों नमस्कार कीती है? धन गुरु हरगोबिंद साहब जी प्रसन्नता भरे
अपनी मौज विच मरसंता भरे मुखड़े द्वारा कहन लगे, भाई विधि चंद ये छाडे साडे छोटे साहिबजादे धन गुरु नानक साहब जी की नौवीं जोत नौवीं थां ते गुरता गद्दी दे मालक बनणगे और इन्हां दे साहिबजादे अगे धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तेग दे धनी और जुल्म दे नासक होणगे और इन्हां करके इस मात लोक दे अंदर धर्म दा डुबदा बेड़ा बनने लगेगा। ये ऐसे महान पुरख इस घर विच अज अवतार धार के आए है तां असी इन्हां नूं नमस्कार कीती है, जिन्हां नूं नौवें पातशाह जी नूं जिन्हां दे पिता और साडे छेवें सतगुरु जी आप नमस्कार करदे है, वह किड्डे महान सतगुरु सन सात संगत जी। और उस तो बाद कुछ दिन बाद माता गंगा जी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी दे माता जी, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे दादी माता जी, सारे परिवार नू नाल लैके श्री दरबार साहब अमृत सरोवर दे विच लिया के नौवें पातशाह जी का इशनान कराया। सरोवर दे अंदर इशनान करवा के सचखंड श्री हरिमंदर साहब देख कराई। उस तो उपरंत श्री अकाल तख्त साहिब विखे नौवें पातशाह जी नू जदों लैके गए, नौवें पातशाह माता नानकी जी ने गोद विच लए हुए हैं, दासी दास बेअंत नाल हैं, माता गंगा जी नाल हैं, तो माता गंगा जी ने छेवें पातशाह जी नू बेनती की कि तुसी अपने सब तो छोटे साहिबजादे का नाम रखो। अजे दासी ने धन गुरु तेग बहादुर साहब जी नू छेवें पातशाह जी दे चरणों विच मत्था ही टका के हटे सन, ता नौवें पातशाह जी ने बालक अवस्था विच गोद विचों उछल के छेवें पातशाह जी दियां दोनों मीरी पीरी दियां श्री साहबां दे मुठियां नू घुट के फल लिया। दासी बड़ा जतन करदी है छडाउण दा, पर धन गुरु तेग बहादुर साहब जी वह मुठे दोनों अपने हस्त कमलां नाल नहीं छड रहे। ता इस कौतक नूं वेख के छेवें पातशाह मुस्कराए, कहन लगे माता गंगा जी नूं, माता जी इन्हां ने अपना नाम आप ही रख लिया, इन्हां दा नाम अज तो तेग बहादुर होएगा। ये ऐसी तेग दी बहादुरी करनगे कि जुल्म दी तलवार नूं खुंडी कर देणगे इस मात लोक दे उत्तों। इस तरह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने श्री अकाल तख्त साहब विखे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का नाम अपने मुखारबिंद तो आप रखिया। एक दो इतिहासकारां ने त्यागमल नाम भी जिक्र किया, पर नहीं साध संग जी गुर इतिहास सूरज प्रकाश विच भी ते होर भी गुरु गुर इतिहास के स्रोतों विच भी धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का नाम छेवें पातशाह जी ने आप अपने मुखारबिंद तो रखिया है। ऐसे धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह किन्नी त्याग दी और वैराग दी मूर्त सन। सत संगत जी जदों छेवें पातशाह अपने वड्डे साहिबजादे नूं विआउण वास्ते धन बाबा गुरदित्ता जी की बरात लैके गुरु के महलां तो चढ़े, बटाले जाना सी बरात ने, ता धन गुरु तेग बहादुर साहब जी सारी बरात दे मगर मगर तुरे जा रहे हैं। बड़े सुंदर कीमती पोशाका पाया, गल विच सोने दियां हीरियां दियां मोतियां दियां मालां फब रही हैं, ते बड़े सुनहरी जरीदार वस्त्र धारण किए हुए है। ता रस्ते दे विच एक गरीब ब्राह्मण लड़का जिस दे तन उत्ते भी कोई वस्त्र नहीं ते भुख तो भी बड़ा व्याकुल है, नौवें पातशाह जी उस बच्चे वल वेख के कहदे तन उत्ते कोई भी वस्त्र नहीं है, अपने सारे वस्त्र ला के उस बालक दे शरीर नूं धारण करवा दिंदे है, सारियां कीमती माला उस दे गल दे विच पा के उस नूं बांह तो पकड़ के गुरु के महलां विच लै आउंदे है।
और अपनी माता माता नानकी जी नूं आखदे माता जी जो भ्राता जी दे विवाह विच मठियाइयां बनाईयां हन इस बच्चे नूं ओह मठियाइयां छकाओ तां कि भुख तों व्याकुल है इहदा पेट भर जाए तृप्त हो जाए। ऐसा त्याग वैराग दी मूर्त धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ज्ञानी ज्ञान सिंह जी तां इत्थों तक लिखदे है कि छेवें पातशाह जी दे ज्योति जोत समाउण तों बाद जदों धन गुरु तेग बहादुर साहब जी बाबा बकाला साहब भूरा साहब दे विच आ के सिमरन भगती बंदगी दी महान घालना घालदे है ता ऐसी बिरहों भरी अवस्था है नौवें पातशाह जी दी हो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर बहे बह चले जियो हर समय बैराग दे अथरू सतगुरु दे नेत्रां विचों टपकदे रहिंदे और वैराग दे विच जिथे समाधि लग जांदी उत्थे बैठे रहिंदे कई कई पहर और जे बाहर किते भी जांदे किसे नाल कोई बचन बलास ना करदे जे मातावां ने भोजन दे दिता तां छक लिया नहीं तां कई वारी आप भोजन जल छकण तों भी इनकार कर दिया करदे सन। अठे पहर वैराग दे विच लीन रहण वाले सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह सात संगत जी भाई साहब भाई नंद लाल सिंह जी ने बड़ा सुंदर जिक्र किया मजदूर आलमी वो कहते हैं इस आलमी आलम भाव दो जहाना दा जो मालक खुदा है दीदी सब तो उत्तम पदवी सब तो वड्डी पदवी है जे खुद फरमूदश वो कहिंदे जे खुदा तो बाद कोई पूजनीक पदवी का मालक है जिसनू खुदा दे तुल परमात्मा वाहिगुरु दे तुल नमस्कार कीती जांदी है कीती जा सकती है ओ धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह महाराज आप हन जिन्हां सतगुरां दा आपां साध संगत जी 400 साल अवतार गुरपुरब साडे अत उत्तम भाग है मैं समझदा सब तो उत्तम भाग साडे है कि साडी जिंदगी विच सतगुरु जी दे प्रकाश पुरब की शताब्दी आई है और श्री अमृतसर साहब जी की धरती से शताब्दी बड़ी श्रद्धा भावना ते उत्साह नाल मनाई जा रही है। कल तो गुरद्वारा मंजी साहिब विखे दीवान हाल अंदर दीवान सज रहे हैं अज सारा दिन दीवान सजने हैं कल नूं गुरु के महलां विखे सुबह जो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सारे खालसा पंथ वालों सतगुरु जी दे प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ किए हुए है उन्हां दी संपूर्णता होण तों बाद फिर इत्थे दीवान सजने हैं और सारिया संगतां ने इन्हां दीवानां विच आ के हाजरी भरनी है। सो सत संगत जी ऐसे गुरदेव सतगुरु जी दी महान 400 साल शताब्दी नूं मनाउंदिआं होइआं जो अज धन गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी ने सानू श्री मुखवाक की दात बख्शिश की है उस दी कथा मन बिरती नूं एकागर करके आप संगतां सरवण करो। ये शब्द उत्थान का शहीद भाई मनी सिंह जी ने बड़ी सुंदर लिखी है वो कहिंदे धन गुरु नानक देव महाराज साहब जी की मासी जी दे सपुत्र कईयां ने भूआ दे पुत्र भी लिखिया पर मुख रूप विच महाराज जी की मासी दे पुत्र बाबा राम थम्मण जी होए मन विच वैराग पैदा होया ता वैरागी जमात दे साधुआं नूं मिले उन्होंने मूँह सर मुन के गल विच कंठी पा दित्ती कहन लगे तू वैरागी भेख अज तो धारण कर लिया इस करके वैरागी साधु बन गया। उन्हां दे मन विच बड़ा वैराग सी पर वैरागी बन तो बाद भी मन नूं शांति ना आई मन टिकिया ना मन एकागर ना होया मन विच इक भटकना बनी रही वाहिगुरु दे मिलाप दी ऐसा वैराग मन विच पैदा होया
तां इक वारी धन गुरु नानक देव महाराज जी का कोई सिख मिलिया, उस नूं बाबा राम थम्म ने बेनती की कि मैं जन्म काल तो ही जदों तो सुरत संभाली है, इस गल की प्यास है कि मैनू वाहिगुरु परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए। इस प्यास नूं पूरी करन वास्ते मैं वैरागी जमात विच जा के उन्हां दा शिष्य बनिया, चेला बनिया। उन्होंने मेरा मूँह सिर मुन के गल विच कंठी पा दित्ती, पर मेरे मन नूं शांति नहीं आई। कोई ऐसा संत, कोई साधु, कोई रब दा प्यारा मैनू दस पाओ जिहदी संगत करके मेरी इच्छा पूरी हो जाए। उस कहण लगा, रहो संत हो टोल साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपसी है मुखों ए पंडित मिठे। कहन लगा, भाई राम थम्मण, तेरी इच्छा तो धन गुरु नानक साहब पूरी कर सकते, होर किसे तो तेरी इच्छा पूरी नहीं होनी। उस वक्त बाबा राम थम्मण फिर धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों में आए। सतगुरां ने उन्हां दे साबत सूरत केस रखवाए और उन्हां नूं गुरु घर दे विच्चों चरण पौहल दे के हजूर ने नाम दी दात बख्शिश कीती, और ये पावन शब्द उन्हां दे प्रथाए सतगुरु जी ने अपने मुखार बिंद तों उचारण कीता है, और उन्हां दे उत्ते सतगुरु जी ने महान रहमतां करके उन्हां दी इच्छा वाहिगुरु दी भेजता उन्हां नूं करवाई। ऐसा ये परम पवित्र उपदेश धन गुरु नानक देव महाराज जी सूही रागनी दे अंदर संत बाणी दे अंदर सच्चे पातशाह उचारण कर रहे हैं। संत काव्य ते संगीत नूं मिला के संत दी रचना कीती जांदी है। गुरु साहब ने काव्य ते संगीत नूं दोनों नूं धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच प्रमुखता दित्ती है। इस करके सच्चे पातशाह सूही रागनी अंदर पहले पातशाह संत बाणी दे अंदर बाबा राम थम्मण जी नूं अते आपां नूं सारिआं नूं इह परम पवित्र उपदेश पहले घर सुरताल दे अंदर बख्शिश कर रहे हन। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक द्वैत स्वरूप वाहिगुरु ओंकार सारिआं दा प्रकाशक है। सत नास तो रहत गुर चेतन है, प्रसाद आनंद स्वरूप है। ऐसे सचित आनंद की प्राप्ति करन वालिआं दी बिरती पर विशेष करके दुनिया के पदार्थों के स्वादों तो रहत हो जाती है। ऐसा वैराग उन्होंने मेरे सतगुरु बख्शिश कर देंदे हन। पर जोबन मैं मत पेयड़ घर पाहुणी बल राम जियो। सतगुरु जी इत्थे फरमान करदे आ, पर जोबन मैं मत, जदों लड़की जवानी दे विच भर जांदी है, भाव जवान हो जांदी है, उदों फिर परिवार वाले जी समझदे है कि हुण इह कुछ दिनां दी साडे घर विच प्रौहणी है, साडी पुत्री। पेड़ा पेके घर दे विच कुछ दिनां दी प्रौहणी है, क्योंकि इहनूं सहुरे घर हुण जल्दी ही भेजणा पवेगा, तोरना पवेगा। जदों युवा अवस्था दे विच मैं नाम नशे दा भी है, भाव जवानी दा नशा, भाव जवानी पूर्ण रूप दे विच भर जांदी है, फिर वो कहिंदे है भी हुण इह प्रौहणे थोड़े दिनां दी प्रौहणी है, इस नूं सहुरे घर तोरना पैणा। फिर वो सारियां तैयारियां कर दिंदे अपनी लड़की दे विआह दीआं। इह सतगुरु जी इस तरह का अलंकार इत्थे वरत के उपदेश दे रहे हैं। पर जोबन मैं मत, साड़ी जिहड़ी मत है ना बुद्धि, ये जवानी दे अंदर जवानी दे नशे दे विच भरी हुई हुई है, और जवानी दे नशे दे विच भरी हुई होण करके इस जीव रूप स्त्री नूं अपना सहुरा घर भुलिया होया होया है, जिस करके
ये मात लोग पेके घर दे विच रह के औगुणा दी ग्रसी होई औगुणा दे विच फसी होई होई हंकार दे नशे दे नाल इस दी मत जिहड़ी है वह भरी होई होई है। पर इस नूं ये ज्ञान नहीं कि मैं कुछ दिनों की प्रौहनी है इस मात लोक दे विच इस मात लोक पेके घर विच सौरा मेरा परलोक घर है मैं उत्थे जाना। उस नूं अजीब रूप स्त्री भुली बैठी है और इस करके ये जवानी दे विच मैं नाम शराब आदक अते होर नशियां नूं पी पी के इहदी मत जिहड़ी है बुद्धि जिहड़ी है बिगड़ चुकी है औगुणां दे नाल भर चुकी है। पर इहनूं इस गल दा ज्ञान नहीं कि मैं कुछ दिनां दी प्रौहणी हाँ जीव रूप स्त्री इस मात लोक दे अंदर। बलराम जीओ वो जो वाहिगुरु रमिया होया वाहिगुरु परमेशर है उस तो ये जीव रूप स्त्री बलिहार कुरबान नहीं जाती कि जिसने मैनू ये जीओ पिंड बड़ा सोहना शरीर दिता मैनू सोहने अंग प्रतंग दिते है मेरे अंदर जीव आत्मा पैदा की है कि मैं उस वाहिगुरु तो बलिहार जावा कि इस मनुखा देही नूं वाहिगुरू का नाम जप के सत संगत करके सेवा करके सफली कर लवां। क्योंकि भाई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया है मनुखा दे किस वास्ते मिली है वाहिगुरू की प्राप्ति वास्ते मिली है। रहण गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी अठां पहरां विच जदों बाबा बकाला साहिब आप महान भगती की साधना कठिन तप कर रहे सन कई वेरी एक पहर भी आराम नहीं करते सन तीन घंटिया का एक पहर हुंदा एक पहरां दे विच मुई कई वेरी कुछ घड़िया ही आराम करिया करते सन। इन्ने वैराग दे सहत सतगुरु जी भगती ते सिमरन की साधना विच लीन सन। सत संगत जी मनुखा जीवन की कदर किसी विरले नूं है संसार अंदर हर प्राणी नूं मनुखा जीवन की कीमत का ज्ञान नहीं। जिन्ना चिर बंदा संगत विच नहीं आउंदा उन्ना चिर इहनूं पता ही नहीं लगता कि यह मनुखा तिन तन किस वास्ते मिलिया। ये मनुखा इस वास्ते नहीं मिलिया जीवन 24,000 खर्च बंदे दा आमद मूल ना थीवे नाम जपन को जेहबा दीनी हर दर्शन को अखी एक एक सास अमोलक जावे हथ ना आवे लक्की 24,000 खर्च बंदे दा आमद मूल ना थीवे जिस बंदे नू इतना घाटा सो बंदा कैसे जीवे। नाम जपन नू जेहबा दिती है जबान दिती है दर्शन करनू गुरु दे संगत दे दर्शन करनू अखां दित्तियां एक एक श्वास वाहिगुरु नू चेते करन वास्ते दिता जिहड़ा लखां दमड़ा खर्च के भी नहीं मिल सकता पर बंदा इस नू भंग दे पाड़े गवाई जांदा अजाई गवा रहा। रहण गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। कौडिया ने भाव मनुखा जीवन नूं गवा रहा बंदा ये मनुखा दे तां भाई वाहिगुरु नूं मिलन वास्ते प्राप्त होई है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने किन्ना वैरागमई उपदेश दिता राम सिमर यह तेरा काज है माया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। जग दे पदार्थां नूं उन्होंने झूठे करके विखाया बालक अवस्था विच राजियां वर्गी पोशाक एक गरीब ब्राह्मण दे गल विच पा दिंदे है और जदों सीहा मसंद धीर मल बाबा बकाला साहब सतगुरु जी नूं बाबा मक्खण शाह प्रगट करके कीमती पिटावां अर्पित करदे सारा कुछ लुट के लै जांदे है।
माता नानकी जी माता गुजर कौर जी चिंताग्रस्त होया नूं वेख के नौवें पातशाह जी शब्द उचारदे माई मैं धन पायो हर नाम मन मेरो धावन ते छूट्यो कर विश्राम माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान ऐसा वैरागमयी उपदेश मातावां नूं दे के महाराज धीरज बख्शिश करदे है। इन्ना वैराग सच्चे पातशाह जी दे हिरदे विच इस करके ये मनुखा दे कुछ दिनों की प्रौणी है। हे जीव रूप स्त्री तू जवानी दे विच भर के हंकार दे विच वाहिगुरू नूं भुली बैठी है। उस वाहिगुरू तो बलिहार कुरबान क्यों नहीं जाती जिन्हें ऐसी सुंदर तेनू मनुखा दे अते सारे संसार दे सुख बख्शिश किए है। इस करके तू इस पेके घर संसार तो एक दिन सहुरे घर नू जाना ही जाना है। कुछ दिनों का प्रौणा है हे जीव रूप स्त्री क्यों जवानी का हंकार करदा तू क्यों एवें अपनिया पद पदवियों का हंकार करदा है क्यों अपने धन पदार्थ का हंकार करदा है। इस करके महाराज ऐसा वैरागमयी उपदेश बख्शिश करते हैं। मैली अवगण चित जेड़ी जीव रूप स्त्री औगुणा करके मैली है वकारा करके मैली है वो कदे वास्ते भी अपने पति की प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर सकती। इस करके जेड़ी जीव रूप स्त्री औगुणा करके जिन्हों का चित वकारा करके मैला होया होया है बिन गुर गुण ना समावनी बिना पूरे सतगुरां दे मिले तो जिन्ना चर गुणा नू हिरदे विच समाउंदा नहीं धारण नहीं करदा है। बल राम जियो ऐसे राम रमे तो बलिहार कुरबान जाना करिए। जिस राम वाहिगुरु दा स्वरूप सतगुरु है जिन्हां दे दर्शन संगत करके गुणा ने हिरदे विच वसना है औगुणा दी मैल दूर होनी है और जिन्हां गुरां दी कृपा करके राम वाहिगुरु परमेश्वर दी प्राप्ति होनी है। इस करके उन्हां गुरां दी कृपा तो बिना शुभ गुण नहीं हिरदे विच आ के वसदे औगुणा दी मैल दूर नहीं हुंदी। भरिया मत पापां कै संग ओ धोपै नावै कै रंग मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइया ओ धोए। इस करके जन्म जन्म किस मन को मन लागी काला हुआ स्याह हो खनली धोती उजली ना हो भी जे सौ धोबण पाहो। इस करके औगुणा करके इस जीव का चित मैला होया होया है। बिना गुरु तो ये अंदर गुण नहीं समा सकते बिना गुण समाया तो विण गुण किते भगत ना होए वाहिगुरु की भगती नहीं होंगी भगती तो बिना वाहिगुरु परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होंगी है। गुण सार ना जानी परम भुलाणी इस जीव ने भुल के गुरु नालों बेमुख हो के परमेश्वर तो भुल के वाहिगुरु ने जेड़े शुभ गुण बख्शे है गुण पर उपकार करके मनुखा तन भी दिता है श्रेष्ठ गुण दात श्रेष्ठ गुणा की दात बख्शी है उन्हों की कदर नहीं इन्हें जानी भुल करके भरम दे विच पै के कुराहे पै गया। विद्वाना ने भरम दा अर्थ कुराहे भी किया है भरम दा अर्थ अग्ञान भी है। इस करके भरम दे विच पै के भुल गया है भटक गया है। जो बन बाद गवाया अपनी जवानी जुबा अवस्था इस नूं व्यर्थ गवा लिया पति रूप वाहिगुरु की प्राप्ति नूं करन वास्ते जवानी लेखे लाउणी सी पर इस नूं व्यर्थी गवा लिया निष्फल ही गवा लिया भंग दे पहाड़े ही गवा लिया है। वार घर दर दर्शन नहीं जाता वार पति रूप वाहिगुरु परमेश्वर का घर संसार है संसार दे विच्चों उस वाहिगुरु दे दर्शन नूं करना नहीं जाणिया है। ये विश्व संसार तुम देखदे हो हर का रूप है हर रूप नदरी आया इस करके उदे दर्शन साध संगत रूप घर विच्चों आके नहीं करने जाने। फिर का सहज न पाया वाहिगुरु का जो सहज स्वरूप है सहज ज्ञान अवस्था है
ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛ ਨਾ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਹੈ ਸੂਤੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਰਾਤਰੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਉਮਰ ਰੂਪ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਨਿਸਫਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਬਾਲ ਤਨ ਰਾਡੇ ਪਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਰੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਪਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਈ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਬਾਲ ਅਤਣ ਰਾਹ ਡੇਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਡੇਪਾ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਨ ਪਿਰ ਧਨ ਕੁਮਲਾਣੀ ਪਤੀ ਰੂਪ ਧਨ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੁਮਲਾਈ ਉਦਾਸ ਹੋਈ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦਰ ਦਰ ਕੁਮਲਾਇਆ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵਰ ਦੇਹੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਰ ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਪਰ ਵਰ ਪਤੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਇੱਛਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਕੀ ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਜਾਣਾ ਕਰੇ ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਜੁਗ ਚਾਰ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਸਤਿਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਆਦਿਕ ਤਿਰ ਭਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਕੀ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਵਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਕਰ ਤਿਰ ਭਵਨ ਕੰਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗ ਬੰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਕੰਤ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਵਗਣ ਬੰਤੀ ਦੂਰੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਬੰਤੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਸਖੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਔਗਣਾਂ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਤੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਜੈਸੀ ਆਸਾ ਤੈਸੀ ਮਨਸਾ ਜੈਸੀ ਆਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੈਸੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇੱਛਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ ਜੈਸੀ ਆਸਾ ਸੀ ਵੈਸੀ ਮਨਸਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਘੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸਾ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨੂੰ ਉਤਰੈ ਸਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਨ
पर वो कहा करे महाराज मेरे घरवाली मेरे नाल बड़ा ते प्यार कर दी है ते मेरे तो बिना मेरा परिवार एक पल भी नहीं रह सकता। महाराज कहिंदे भाई नहीं जगत मैं झूठी देखी प्रीत। महाराज कहिंदे जे तेनू निश्चा नहीं तो एक दिन तेनू दिखा देंदे। योग साधना द्वारा महाराज कहिंदे एक दिन तू अपने श्वास खिच के पै जाई परिवार वालिया नूं इह लगेगा दसम द्वार विच श्वास किसे ना किसे ढंग नाल सतगुरु महाराज जी सारी जुगती नूं जाणदे सन समझा के कहिंदे पै जाई उहनां नूं इह पता लगे कि तू मर गया। उहने उस तरह जा के कीता कहिंदे नाले तैनूं पता लग जाएगा कि किन्ना क तेरे नाल घर दे प्यार करदे आ मुहब्बत करदे आ। वो नौजवान ने वह किरिया उमें की घरवाली देखती है मेरे घरवाला शरीर करके नहीं रहा बड़ी काली नाल उठी उठ के सब तो पहला दो प्रशादे पकाए प्रशादे पका के उन्हां दी चंगी तरह साध संग जी घ्यो ते शक्कर पा के चूरी बना ली फिर दुध जिहड़ा पिया सी उस नूं काढ़ के उहदी खीर बना ली खीर बना के खा के घर का दरवाजा खोल के उच्ची उच्ची पिटन लग पई कि मेरा पति मर गया मेरा पति मर गया लोगों मैं उजड़ गई। उस वक्त सारा आंढ गुआंढ इकट्ठा हो गया सारे लोग इकट्ठे होने लग पे वैराग कर दिए। जो थोड़ा जा वक्त मिलता है फिर साध संग जी अंदर जा के चूरी नूं फक्का मार के आ जाती है। जदों इशनान करा के तैयारी कराई ना शरीर लैके तुरन लगे उच्ची देने हेक मार के कहिंदी कंता स्वर्ग सुधारिया मैनू भी कुछ भाक। कहिंदी हे पति तू स्वर्ग चलिया गया जांदा जांदा मैनू कोई गल कह जांदा अपने मूहों। उहनू उस वक्त उहने अपनी सुरत जगाई कहन लगा बिल्कुल मौका है। वह सारी गल नू समझी जांदा अंदरों शरीर नू उहने सुन कीता होया पर अंदरली सुरत उहदी कम कर रही है। वह उठ के बैठ के कहिंदा जैसे पाइस खाइयो तैसे चूरी चाख। कहिंदा जिवें खीर दा थाल भर के खाधा ना उवें चूरी खा ले जाके जिहड़ी बना के रखी है। ऐसा लोकां दा संबंध है। महाराज कोले आया कहन लगा महाराज जो तुसी वचन कीते हो बिल्कुल सत हन। जगत मैं फिर महाराज ने शब्द उचारिया जगत मैं झूठी देखी प्रीत अपने ही सुख सो सब लागे क्या दारा क्या मीत। ऐसा वैरागमय उपदेश वैराग तो जिन्हां सतगुरां तो पैदा ही होया। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी कहिंदे अखां दे कोने भी कई बार महाराज दे गल जांदे सन इन्हां वैराग दे विच नौवें पातशाह जी रहिंदे सन हमेशा वास्ते। इन्ना वैराग हो नहीं सकता जैसा वैराग नौवें गुरदेव जी दे हिरदे दे विच। सो इस करके महाराज कहिंदे है जैसी आसा तैसी मनसा जिहो जे मन विच ख्याल हुंदे आ उहो जी बुद्धि बन जांदी है। चंगे ख्याल हुंदे आ बुद्धि निर्मल हो जांदी है माड़े ख्याल होण बुद्धि मैली हो जांदी है। कहिंदा बाणी च मन नहीं लगता नाम च मन नहीं लगता बुद्धि नहीं शुद्ध नाम विच की मन लगेगा ख्याल संस्कार ही नहीं निर्मल हन मन कित्थों टिकेगा। इस करके जैसी आसा तैसी मनसा यूं जैसी इच्छा हुंदी है वाहिगुरु तैसी मनसा उन्हां दी इच्छा पूरी कर दिंदा है। हर की नार सो सर्ब सुहागण पूर रहा पर पूरे सारियां थावां ते परिपूर्ण है हर थां ते हाजर नाजर है। हर की नार सो सर्ब सुहागण जेड़ियां जग्यासु रूप सखियां ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹੀਦੇ ਹਨ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋ ਏਕ ਹੈ ਰਾਂਡ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੋ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣ ਬੁੱਧੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾਮ ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ ਖਿਆਲ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹਨ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈਸੀ ਆਸਾ ਤੈਸੀ ਮਨਸਾ
क्यों जैसी इच्छा होंदी है वाहिगुरु तैसी मनसा उन्हां दी इच्छा पूरी कर दिंदा है। हर की नार सो सर्ब सुहागण पूर रहा पर पूरे सारिया थावां ते परिपूर्ण है, हर थां ते हाजर नाजर है। हर की नार सो सर्ब सुहागण जेड़िया जग्यासु रूप सखियां वाहिगुरु दे मिलाप वालिया हो गई और सुहाग बंतियां हन, ओ वाहिगुरु दियां कही दियां नो वाहिगुरु दे प्यारे कही दे हन। हर हर जन दो एक है रांड ना मैले वैसे उना नू कदे रंडेपे दा दुख नहीं हुंदा, जिवें रंडेपे दे दुख वाली स्त्री मैले कुचैले कपड़े पा के रख दिया पवित्र बन के रहिंदी है, ओ भाई वाहिगुरु तो बिछड़ के भी नहीं रहिंदे। ते औगुणा रूप मैला लिबास भी उन्हां दे नेड़े नहीं आउंदा, औगुणा दी मैल उन्हां दी धोती गई है। परमेश्वर प्रीति दा आस्पद रूप है, ऐसा वाहिगुरु परमेश्वर उन्हां नूं पा गया है। बाबा लगन गणाए बाबा लगन गणाए सात संगत जी जदों लड़की नूं ब्याहना हुंदा उहदे लई दिन थित मुहूर्त इह समें दी विचार करदे आ, कहिंदे साहा सुधिया जांदा उहनूं लगन कहिंदे आ, लगन गिणना। इत्थे महाराज कहिंदे आ वी हे भाई जो जदों लड़की दा साहा गिणती करके बना के सोधिया गया तैयार कीता गया कि फलाने दिन इहनूं पति नाल तोर देना है ब्याह के, हम पी वन्या साहुरा फिर ये जिहड़ी जीव रूप स्त्री है इस नूं सहुरे घर दे विच वंझा तोरिया जांदा है भेजिया जांदा है। बाल राम जीओ इस करके हे प्यारे इसे तरह बाबा लगन गणाए हम भी वंझा सहुरे बलराम जीओ, यों जेड़े तेरे साहा भाव अंतम समय दे स्वासां दा साहा जो वाहिगुरु परमेश्वर ने गण गण जोत कांडी कीनी ये सारा तेनू गिण के दिता होया है, ता मात लोक तो परलोक रूप सौरे घर नू इस जीव रूप स्त्री नू जाना ही पैंदा है। साहा हुकम रजाए जो हुकम है रजा वाहिगुरु दी आग्या जो साहा स्वासां दा लिखिया होया है अंत दा सो ना टला वो टलदा नहीं, जिवें व्याह दा मिथ्या दिन नहीं टलदा एवें अंत दा समा नहीं टलदा है। जो प्रभु कर बल राम जी जो वाहिगुरु करदा हुंदा है हे प्यारे जी किरत पाया करत कर पाया करते वाहिगुरु ने जो कर्मा दा लेख लिखिया होया है संजोग विजोग दा जां प्रारब दा मेट ना सकै कोई इहनूं कोई मेट नहीं सकदा बदल नहीं सकदा कोई भी वड्डे तो वड्डा शक्तिशाली भी। जानी नाओ नर हन नर नर नेह केवल जानी नाओ नर नेह केवल सात संगत जी जो नर है लाड़ा है उस दे नाल जांजी भी जांदे है और संबंधी भी जांदे है बरात दे विच। इसे तरह वाहिगुरु दे प्यारे जिहड़े संत भगत है ये भाई जांजी है, लाड़ा कौन है जग्यासु, जदों वाहिगुरु परमेश्वर दी भगती करदिआं साधना करदिआं करदिआं वाहिगुरु की प्राप्ति लई तुरदा है नेह केवल जो शुद्ध स्वरूप है नर है जो नियंता है ऐसा जो वाहिगुरु परमेश्वर है रब रहे आते हो लोई तिन्ना लोआं दे विच जिसका प्रकाश है सारे व्यापक है ऐसा जो वाहिगुरु परमेश्वर है उस दी प्राप्ति रूप जग्यासुआ ने संता भगतां रूप अपने नाल जांझियां नूं लै के
वाहिगुरु दे दर दे उत्ते उस नू प्राप्त करन रूप ब्याउन वास्ते जाना कीता है। माए निरासी रोए वे सुन्नी इस तरह कहिंदे तिन्ना लोकां दे विच रवे होए वाहिगुरु परमेश्वर नू ओह जग्यासू जिहड़े वरदे है डाके प्राप्त करदे है। जिवें जदों लड़की अपने पेके घर तो सहुरे घर नूं तुरदी है ना तां मां निराश हो के फिर लड़की दा विछोड़ा विछड़ी नूं देख के रोंदी है, ताह मारदी है कि मेरी धी हुण सहुरे घर नूं जा रही है। बाली बाल हिते बाली बच्ची दा बाल है लाड़े दे नाल हित प्यार पै जांदा फिर वह मां दा मोह त्याग दिंदी है, वह हित उहनूं अपने पेके घर दा रह नहीं जांदा। इस तरह कहिंदे जिन्हां नूं वाहिगुरु रूप पति प्राप्त हो गया ना जदों जग्यासु रूप बाली दा बल है पति रूप वाहिगुरु नाल हित प्रेम लग गया प्यार पैदा हो गया वह फिर निराश हो के विछड़ के भाई उन्हां नूं रोना नहीं पैंदा है। माया उन्हां नूं उन्हां तों निराश हो के विछड़ जांदी पासे हो जांदी है दूर हो जांदी है। नानक साच शब्द सुख महली यों सतगुरु गुरु नानक साहब जी फरमान करदे सच्चे शब्द दे साधन द्वारा उन्होंने सुख स्वरूप वाहिगुरु नूं प्राप्त कर लिया है। गुर चरणी प्रभ चेते गुरां दे शब्द द्वारा प्रभु नूं जदों उन्होंने चेते कीता तां सुखां दे महल वाहिगुरु दे देश विच उन्हां नूं थां प्राप्त हो गया है। बाबुल दित्तड़ी दूर ना आवै घर पेयड़ बलराम जीओ बाबल दित्तड़ी दूर ना आवै जेड़ी बाबल पिता ने लड़की दूर ब्याह दित्ती है ना उहदा अंदेसा नहीं हुंदा भी इह हुण मुड़ के आवेगी वापस। मुड़ के आउणा बड़ा मुश्किल है, पहलां बड़ी दूर दूर शादी करदिआं करदे सन। बाबल दित्तड़ी दूर ना आवै घर पेई है बलराम जीओ पेके घर दे विच मुड़ के वह लड़की नहीं वापस आउंदी। इस तरह भाई बाबल दित्तड़ी दूर ना आवै घर पेई है क्यों वाहिगुरु परमेश्वर दे नाल जिन्हां दा मिलाप हो गया वह फिर दोबारा दोबारा इस मात लोक पेके घर दे विच आके जन्म नहीं लैंदे, उन्हां दी भटकना मुक जांदी है। ऐसी वाहिगुरु उन्हां ते कृपा करदा है। रहसी वेख हदूर यों अपने नेड़े रह वाहिगुरु पति नूं नेड़े तो नेड़े देख नेड़े तो नेड़े जान के उस दे आनंद विच खिड़े रहिंदे हन। फिर रावी घर सोहिया ओ प्यारे वाहिगुरु पति नूं मिल के उस दे मिलाप दे आनंद नूं माणदे आ और वाहिगुरू दे घर सचखंड दे विच ओ शोभनीक हुंदे हन। तिथे लो आकार बल राम जीओ ऐसा जो राम रमिया वाहिगुरू परमेश्वर है उस तो पाई बलिहार जाइए। साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी प्यारे प्रीतम वाहिगुरू दी ऐसी जोड़ी जोड़ उन्हां नाल जुड़ गया जेड़े प्यारे पति नूं लोड़ै चाहुंदे सन ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲ ਗਏ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਮਤ ਪੂਰੀ ਪਰਧਾਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਥਾਨ ਸੁਹੇਲਾ ਇਹ ਸੁਹੇਲਾ ਸੋਮਨੀਕ ਥਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਰ ਗਿਆਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਗੁਣਵੰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਸੱਚ ਪੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗੁਣ ਆਦਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਭਾਏ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਾ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸੇਈ ਇਹ ਆਏ ਸਫਲ ਤਿਨਾਂ ਕੇ ਕੰਮ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਵਿਛੜ ਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ। ਗੁਰਮਤ ਅੰਕ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਗੁਰਮਤੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾ ਗਏ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਰਿਦੇ ਗਿਆਨਾਨਾ ਮੋਕਸ਼ੰ, ਰਿਤੇ ਗਿਆਨਾਨਾ ਮੋਕਸ਼ੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੋਕਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਬੀਰ ਜੋਧਾ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਦਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਨਿਸਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂਗ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝਦਿਆਂ ਕਦੇ ਆਲਸ ਢਲਿਆਈ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਐਸੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ 400 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਥਾਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਰ ਗਿਆਨੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਸੱਚ ਪੱਲੇ, ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਵਿਛੜ ਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਗੁਰਮਤ ਅੰਕ ਸਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।